महागठबंधन क्या है? भाजपा हरा वो अभियान, भाजपा को भगा वो अभियान। तो चुनाव लड़ने की बात कहा जा रहा है? चुनाव मुख्यमंत्री कहीं से नहीं लड़ेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे यहाँ पर। बेगूसराय में पकड़ा गया, उन्हीं लोगों का आदमी है। किनका आदमी है? भाजपा का आदमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार में जितनी भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, जितनी भी हत्याएं की जा रही है, वो भाजपा ही करवा रही है। तभी तो बेगूसराय गोलीकांड में इतना बड़ा मामला सामने आ गया कि सनकी अपराधी बेगूसराय से मोकामा तक चले आए, जिसके बाद भागलपुर में भी एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। इस पर गोपाल मंडल ने कहा कि हत्याएं तो होती ही रहती है और होती ही रहेंगी, क्योंकि ऐसा करने वाले इंसानों का दिमाग दूसरा होता है, लेकिन ये सब बीजेपी की साजिश है। गोपाल मंडल ने आगे कहा कि अब बीजेपी भगाओ और बीजेपी हटाओ अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू कर दी है, उनके तरफ से मुहिम छिड़ चुकी है और आने वाले चुनाव में बीजेपी ढंग से 5 से 6 सीट भी बिहार में नहीं ला पाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं गोपाल मंडल बीजेपी को लेकर, किस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही हैं, पहले आप उनकी पूरी बातों को सुनिए। क्या ये तो होते ही रहेगा, इसको तो रोक पाएगा? हत्या को रोक पाएगा? हत्या करने वाला अलग आदमी रहता है। देखिए ना, बेगूसराय से लेकर मोकामा तक गोली चलाते हुए चला गया, तो हत्या को कोई रोक सकता है? मानसिकता कोई बदल सकता है? जब से महागठबंधन की सरकार तब से नहीं, वो सब बात नहीं, बहुत दिन से चल रहा है। सर, अमित शाह आ रहे हैं पूर्णिया और किशनगंज सीमांचल दौरे पर, क्या कुछ लगता है आप लोग? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमित शाह पूरा भी है हिंदुस्तान दौरा करे, कोई फर्क पड़ने लगा है। महागठबंधन क्या है? भाजपा हरा वो अभियान, भाजपा को भगा वो अभियान। मुख्यमंत्री का 24 में लखनऊ के फूलपुर से चुनाव लड़ने की बात कहा जा रहा है? चुनाव मुख्यमंत्री कहीं से नहीं लड़ेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे यहाँ पर, लेकिन मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जाके, हम लोग जितना क्षेत्र 24 में भाजपा क्लीन स्वीप होगा? चलिए, 24 में बिहार में भाजपा को 5-6 सीट आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। नीतीश सरकार को, जदयू को क्या बढ़त मिलेगा इसमें? बढ़त तो पूरा बढ़त नीतीश से और तेजस्वी का हावी करेगा। आपराधिक घटना जो है उस पर विपक्ष लगातार हमलावर है, भाजपा हमलावर नहीं, भाजपा वाला ही ये सब घटना करवा रही है। बेगूसराय में पकड़ा गया, उन्हीं लोगों का आदमी है। इनका आदमी है? नहीं, भाजपा का आदमी है लोग। आप मेयर का चुनाव है, इस पर बोलवे नहीं कर। तो जैसा कि आपने सुना, गोपाल मंडल बीजेपी को विभिन्न मुद्दों पर घेरते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं से भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे, हाँ, लेकिन देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वो मॉनिटरिंग जरूर कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को अब रास्ते से हटाना है, बीजेपी को टक्कर देना है, जिसकी शुरुआत सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दी है। गोपाल मंडल की तरफ से ये उक्त बातें पहले भी कही गई है, जहां पहले उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर, बिहार में जितने तरह के मामले आ रहे हैं अपराध से जुड़े हुए उसको लेकर। वहीं दूसरी तरफ साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति साफ करने की कोशिश की और कहा कि मुख्यमंत्री कहीं नहीं जाएंगे, वो यहीं बने रहेंगे, उनकी तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि विपक्ष एकजुट हो सके और हम एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे बीजेपी को पीछे करने की, बीजेपी को हटाने की। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।